कॉलेज हृदय की ऑनलाइन कक्षा में कक्षाओं का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 का संख्या 2 हल करेंगे। संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला खंड है 2+x² + x, दूसरा खंड है 2-x² + x³ और तीसरा खंड है π/2x² + x। अगला खंड चौथा √2x - 1। हम लोग पहले खंड को लेकर चल रहे हैं, इसमें यह बताना है, इस खंड में 2+x² + x में बताना है x² का गुणांक कितना है या x^2 का गुणांक कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें x^2 का पद ढूंढेंगे। ये देखते हैं ये अचर पद है, ये x² का पद है या x^2 का पद है, और ये x का पद है, इसमें एक घात छिपी है। x² का गुणांक पूछा जा रहा है, x² का गुणांक लिखिए। यहाँ पर देख रहे हैं इस x² के यहाँ पर आगे जो संख्या है वही x² का गुणांक, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये छिपा है, और छिपा है तो एक छिपा है, इसलिए x² का गुणांक एक। हम लोग लिखेंगे दिए गए व्यंजक में x² का गुणांक 1। सेकेंड पार्ट में है 2-x² + x³। इस व्यंजक में भी यही बताना है कि x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इस 1 और x के बीच में इंटू का निशान छिपा हुआ है, इसलिए x² का ये गुणांक होगा, x² का गुणांक -1। यही चीज हम लोग लिखेंगे दिए गए व्यंजक में x² का गुणांक -1। तीसरे खंड पर आ रहे हैं, तीसरा पार्ट है π/2x² + x। यहाँ भी यही बताना है x² का गुणांक कितना है, ये लिखना है x² का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं π/2 और x के बीच इंटू का निशान छिपा है, इसलिए ये x² का गुणांक है, अतः x² का गुणांक बनना है π/2। x² का दिए गए व्यंजक में x² का गुणांक π/2 है। अगला पार्ट है चौथा खंड दिया गया है √2x - 1। इसमें भी हम लोगों को बताना है x² का गुणांक कितना है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x² का पद ही नहीं है, x² का पद नहीं है, यहाँ पर x की एक घात का पद है, x की दो घात का पद नहीं, अगर पद नहीं तो उसका गुणांक नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए व्यंजक में x² का कोई पद नहीं है, अतः x² का गुणांक 0, अगर पद नहीं तो उसका गुणांक 0 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी खंड हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है, दिया गया है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और
सौ भाग के एक परि का एक एक उदाहरण लिखिए। एक एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन है 35 भाग के द्वि पद एक ये लिखना है और दूसरी बात ये चीज लिखना है। 35 भाग का द्विपद लिखना है और 100 भाग का एक पद लिखना है। यहाँ पर जो दिया गया है ऐसा व्यंजक लिखना है जिसमें दो पद हो और उस व्यंजक की घात 35 हो, उस व्यंजक निश्चय की घात 35 हो। तो हम लोग दे सकते हैं, इसका उदाहरण दे सकते हैं। हम भी लिखेंगे 35 भाग का द्विपद या द्विपदीय व्यंजन, द्विपदीय व्यंजन 35 भाग का द्विपदीय व्यंजन बराबर लिख सकते हैं 2x की पावर 35 + 4। ये व्यंजन लिखा गया, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद है, इसलिए इसको कहेंगे द्विपदीय, द्विपदीय व्यंजन है। और इस व्यंजन में चर की जो घात है वही द्विपदीय व्यंजक की घात है, चर की घात 35 है। यहाँ पर जो चर का गुणांक 2 दिखाया गया है, यहाँ पर 2 के स्थान पर कोई अन्य संख्या भी लिखी जा सकती है। और ये जो अचर पद है 4 के स्थान पर कोई अन्य संख्या लिखी जा सकती है, 4 के स्थान पर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 35 भाग का द्विपदीय व्यंजक हो गया। और आगे बताएगा 100 भाग का एक पदीय व्यंजक लिखना है। 100 भाग का एक पदीय व्यंजन, एक पदीय व्यंजन 100 भाग का एक पदीय व्यंजन लिखना है। उदाहरण के लिए हम लोग लिख रहे हैं इस प्रकार से, ऐसा व्यंजन लिखना है जिसमें केवल एक पद, ऐसा व्यंजन लिखना है जिसमें केवल एक पद हो और उस पद की घात 100 हो। जो पद दिया गया है उसमें चर की घात 100 हो बताया गया। हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, 7/2x की पावर 100 दिखाया गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो चर दिखाया गया इसकी घात 100 है, इसकी घात 100 है, इसलिए 100 भाग का व्यंजक कहलाएगा। एक पद है इसलिए एक पद ही व्यंजक होगा। यहाँ पर ये जो गुणांक दिखाया गया है 7/2, इसके स्थान पर कोई अन्य संख्या भी लिखी जा सकती है। 7/2x की पावर 100 लिख सकते हैं, 7x की पावर 100 लिख सकते हैं, 5x की पावर 100 लिख सकते हैं। यहाँ पर गुणांक के स्थान पर कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। तथा इसमें जो चर दिखाया गया है x के अलावा कोई अन्य चर भी लिखा जा सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 4 दिखाया गया है, चौथा सवाल है, निम्नलिखित निम्नलिखित में बहुपद की घात लिखी, घात लिखी, निम्नलिखित में बहुपद की घात घात लिखी है। स्क्वायर इसका 5x³ + 4x² + 7x। सेकेंड पार्ट है 4 - y². थर्ड पार्ट इसका 5t - 7। फोर्थ पार्ट है 3। इसमें हम लोगों को निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखे गए बहुपद की घात लिखना है। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेकर के चल रहे हैं हल करने के लिए। हल फर्स्ट पार्ट दिखाया गया 5x³ + 4x² + 7x। यह एक बहुपद है और इस बहुपद के लिए घात बताने की, बहुपद की घात कितनी है। बहुपद की परिभाषा हम लोग पहले समझ चुके हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक एवं पूर्ण रूप से बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो चर दिखाया गया x, चर है x,
इसकी घात दिखाई गई 3, ये प्लस 3 है, ये धनात्मक है और पूर्ण है। धनात्मक पूर्ण संख्या उसे मोहपद कहते हैं। यहाँ भी ये घात धनात्मक पूर्ण संख्या है, यहाँ की घात 1 छिपी है, ये भी धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। और इस बहुपद की हम लोगों को घात लिखनी है। बहुपद की अधिकतम घात ही बहुपद की घात मानी जाती है, तो यहाँ पर इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है, क्योंकि घात के स्थान पर 1 है, 2 है, 3, अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। तो हल में हम लोग लिखेंगे दिए गए बहुपद की दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात 3, अतः बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात 3। दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3, या 3 होगी, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है 4 - y² इसमें भी हम लोगों को बताना है कि जो बहुपद दिया गया है इसकी घात कितनी होगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये चर दिया गया, इसकी एक ही घात है, तो बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती, तो अधिकतम घात 2 है, इसमें बहुपद की घात 2 होगी। इसमें हम लोग लिखेंगे दिए गए बहुपद में चर की, यहां का चर वाई लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चर यानी वाई, दिए गए बहुपद में चर की घात, चर की अधिकतम घात, दो है अतः बहुपद की घात 2। अंतिम पार्ट है, तीसरा खंड है, थर्ड पार्ट। उसमें 5t - 7 एक बहुपद ये लिया गया है, इस बहुपद की भी घात हम लोगों को लिखनी है। हम लिखाएंगे इसमें दिए गए बहुपद में यहां पर हम लोग देख रहे हैं बहुपद का जो चर है इसकी घात 1 है। दिए गए बहुपद में चर की, चर के स्थान पर हम लोग की लिख सकते हैं, चर की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात बराबर 1। अंतिम खंड है, चौथा पार्ट है, लिखा गया 3, इसकी भी हम लोगों को घात बतानी है। यहां पर ये जो 3 लिखा गया है इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं 3x⁻⁰ लिखा जा सकता है, या 3y⁻⁰ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम चर के रूप में ढाल रहे हैं, बदल रहे हैं। यहाँ पर जो x⁻⁰ लिखा गया है ये 3 है, इसके बीच में गुणे का निशान छिपा है, और x⁻⁰ का मान 1 के बराबर होता था, 3 × 3 ही रहेगा, तो 3 के स्थान पर हम 3x⁻⁰ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0 होगी। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद में चर x बनाया गया है, चर x की अधिकतम घात 0 है, अतः बहुपद की
हाथ बराबर घात शून्य होगी। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर